वड़ियां तेरिया मेरे सतगुर जियो वेलकम बैक गाइस पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। इट्स योर गाय बसम ब्लॉगर हियर एंड आई होप आपको पार्ट वन अच्छा लगा होगा। अब जर्नी आगे की कंटिन्यू करते हैं। यहां से अब हम जाएंगे बड़े गुरुद्वारे की ओर जो कि ऊपर अपर देला में है। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा जैसे रिव्यूज़ मुझे पिछले ब्लॉग में मिले थे। तो करना कुछ नहीं है आपने, अगर आप वीडियो इन्जॉय कर रहे हो, अगर आपको वीडियो क्लिप अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। हमारी शुरुआत होती है आटा चक्की से मार्च करने के बाद गुरुद्वारे की ओर और यहाँ पे बैंड ग्रुप पास हो चुका है। स्वामी राम तीर्थ के बच्चे जो कि बैंड ग्रुप को लीड कर रहे हैं एंड आगे जो है मतलब वो बाराती जो अरेंजमेंट है वो है। और ये हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि नेटिव्स हैं यहाँ के एंड दे आर ऑल्सो मार्चिंग टूवर्ड्स गुरुद्वारा साहेब। एंड हम लोग तो भैया चढ़ चुके हैं किसी की छत पर। सो यहाँ से आगे जो है आपको क्लिप्स मज़ेदार लगेंगे क्योंकि हमने पूरा कवरेज एरिया कवर कर लिया है प्रॉपरली। जितना हम मतलब बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे हमने कर लिया है। तो इससे आगे अब आप लोगों के हाथ में है तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देंगे तो इट वुड बी अ लिटिल बेटर फॉर अस टू ग्रो। मोटिवेशन और डेडिकेशन मिल जाएगी थोड़ी सी। ज़्यादा कुछ नहीं है। लो जी अब गुरुद्वारे के पास हमारा जो है जत्था भी आ चुका है। अब यहाँ से आप आके ब्लॉग इन्जॉय कीजिए। जत्था तो हमने देख लिया। अब कट सीन के बाद आ जाते हैं संगत की तरफ क्योंकि देखो भैया संगत इज द मेन थिंग क्योंकि महाराज भी संगत के बिना अधूरे हैं और हम महाराज के बिना। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा संगत जो है ऑलरेडी गुरुद्वारे के पास खड़ा होकर के महाराज का वेट कर रही है कि यू नो एज एन गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। दे आर सो हार्टली वेलकमिंग द व्हीकल एंड हियर वी गो। यहाँ से हमारे सीन्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। सो यू नो काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों ने पहले भी देख रखी है। बट हाँ एक पर्टिकुलर विलेज की होने की वजह से या एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की होने की वजह से इट्स अ बिट डिफरेंट। इट लुक्स गुड। सो यहाँ से आगे तो यू नो आप लोगों को एंजॉय करना बनता है एज इन सतगुरु की सेवा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ये देखो ऑडियंस देखो आप मतलब देख रहे हो लिटरली कितनी ज़्यादा ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऑडियंस एज इन की संगत तो बेटर मतलब गलत मतलब निकालने का ज़रूरत नहीं है। एज इन आई एम नॉट काउंटिंग देम एंड ऑडियंस बट हाँ मेरा इंटेंशनली आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भावनाओं को समझो लफ्ज़ों को मत पकड़ो। अब आप यहाँ से देखिए कि कितनी ज़्यादा संगत हमारे साथ जुड़ चुकी है, कितने ज़्यादा लोग जो है नगर कीर्तन में शामिल हो चुके हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वही एज इन अरेंजमेंट्स की होंगी है खाने पीने को लेकर के या सेवा को लेकर के। तो आप लोग जुड़े रहिए और यू नो दीज थिंग्स एक्चुअली यू नो मतलब लाइटन्स अवर हार्ट लाइटन्स अवर सोल अप सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज स्पिरिचुअल थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हमें ये सब चीज़ें भी समझनी चाहिए। देखो भैया इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से या फ़ोन स्क्रॉल करने से यू नो यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बट स्पिरिचुअली भगवान को मानने से भगवान की तरफ चलने से कायनात के यू नो ज़्यादा फड़े तो नहीं मारूंगा मैं बट हाँ बाहर की चीज़ें भी तुम लोग परमात्मा एज इन प्राप्त कर सकते हो बिकॉज भगवान इज़ एवरीथिंग। बाकी सब बातें मे बी टेम्प्रेरी बट गॉड इज़ परमानेंट। चलो वैसे आजकल ना मैं ज़्यादा ही बड़बड़ करने लग गया हूँ यू नो ज़्यादा ही बोलने लग गया हूँ तो वॉइस ओवर्स दे दे करके ही माँ बहने कर रखी है मैंने ऑडियो की वीडियो की। तो चलो कोई नहीं है पीछे वैसे भी वो जो उनका ना वो ऑडियो पिच बहुत हैवी थी बहुत हाई थी तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर्स दे देता हूँ कहीं ना कहीं क्लिप्स पर वैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है। बट हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा रिव्यू ज़रूर दें कि हाँ भाई गलती कमी पेशी बताने का आप लोगों का हक है। बीइंग माय व्यूअर आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे अवेकन करें। लॉट्स ऑफ लव गाइस। Yeah.
गाइज अभी हम रैंडमली जट्टा दे वेड़े चप्पल गुरुद्वारे च जो ऊपर अपर दिलंगा गुरुद्वारा है वहाँ पे खड़े हुए गिरगिटे के संतों का ये गुरुद्वारा है। सो अभी हम रैंडमली किसी के भी घर की छत पे बैठे हुए हैं, हमने अपना स्टैंड लगा रखा है और हम जो है व्यू एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया एकदम शांति से बैठे हुए। मैं चौकड़ी मार के बैठा हूँ छत के ऊपर, व्यू साथ में है। सो आप सीन देखो नीचे का, रैंडमली क्लिप्स में आप देख पा रहे होंगे बट इट्स वेरी गुड, इट्स ऑसम। बढ़िया सामने का व्यू देखो यार तुम लोग, एकदम मतलब गजब व्यू है। अभी ये संगत, अभी वो देखो वहाँ पे पंच प्यारे खड़े हुए हैं, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, फिर ये जा रहे हैं बैक उस लंगर हॉल की तरफ। भाई मजा आ गया यार, सबसे मजा आ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जो भी मेरे चैनल पे नया है वाहेगुरु के नाम पे एक बार लाइक ठोक दो गाइस, एंड जितना हो सके शेयर करो, इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टाइप थिंग। सो जो भी डिवोटीज हैं, ट्रस्टीज हैं, स्पिरिचुअल टाइप लोग हैं, सो प्लीज मेक श्योर आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। लॉट्स ऑफ लव गाइस, एंड गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी आई थिंक सो। हो हाँ जा, काफी बड़ी होगी होगी ना ये क्लिप है ना, अभी हो गई होगी काफी हद तक तो ये पार्ट्स में ही जाएगी अब, सो प्लेलिस्ट में चली जाएगी, आप देख लीजिएगा। देखो यार टू बी ऑनेस्ट, बाबा जी बहुत हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने सीन्स भी रिकॉर्ड कर लिए। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग अब वक्त था थोड़ा सा बच्चों के साथ घुलने मिलने का और थोड़ा बहुत अपने थोड़ा बहुत प्रमोशन भी करना था, मैंने एज इन अपना चैनल भी प्रमोट करना था, तो मैं बच्चों के पास आ गया छोटी सी क्लिप्स वगैरह शूट करने के लिए। वहाँ से पता नहीं कब मार्च करना था उन लोगों ने, फिर कब हमने आगे टोबे की साइड जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये लोग सब ना वो नहीं होता जो पोटाश वाली जो क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ ये ठाश ठाश करी जा रहे थे बहुत जगह, इन्होंने ठाठा कर रखी है। तो मैं इधर आ गया इनके पास कि मैंने कहा देखो सब लोग भर लो गोलियाँ भैया, हमें करेंगे क्लिप शूट और ये कर रहे हैं उसकी तैयारी अब। ठीक है 3 2 1 ठीक है ना, 3 2 1 बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। गाइज आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लिप जो है अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं लालू वाले टोबे की ओर, सो लेट्स गो। जब हम पहुंच गए लालू वाले टोबे पे और यहाँ पे हम बढ़िया गबरू जट्टा दे मुंडिया दी जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर क्लिप शूट कर रहे हैं एकदम बढ़िया वाली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम पास तो करना ही है जब तक हमारा जत्था नहीं आ जाता है एज एन गुरु ग्रंथ साहिब जी एंड नगर कीर्तन नहीं पहुंच जाता है यहाँ तक। तो मैंने कहा चलो छोटी सी जो है एकदम बढ़िया सी क्लिप शूट कर लेते हैं एकदम स्टेटस टाइप की, तो वो हमने यहाँ पे शूट की है। इसके बीच में हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं एज इन दिस गुप्पी एंड इन द भैया एंड यू नो मेनी मोर द नोन वंस आर हियर। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं नगर कीर्तन की और ये छोटी सी क्लिप शूट करने के बाद। सो एंजॉय द व्लॉग गाइस एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब। लालू वाले टोबे को बड़ा जो टोबा है अपर देलंगा वहां पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पब्लिक वेट कर रही है बट अभी तक वो जत्था नहीं आया है जो कूच कर चुका है वहां से बट यहाँ तक कभी पहुंचा नहीं है। और यहाँ पे प्रोग्राम की देखो कितनी बढ़िया सेटिंग हो रखी है, हम लोग यहाँ पे टाइम से पहुंच गए हैं। जो अभी आपने पीछे क्लिप्स देखी है वो यहाँ के कुछ लोकल बच्चों की है, कुछ मेरे दोस्तों की है, कुछ मेरे फॉलोअर्स थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की एज इन उन्होंने बोला कि आप हमारी वीडियोज और थोड़ी सी क्लिप्स बनाइए, सो मैंने इससे पीछे वाले क्लिप में ऐड कर दी थी। तो हम जल्दी पहुंच गए थे तो मैंने कहा मुझे ऑब्वियसली यार फैंस के लिए कुछ भी करना पड़ता है एंड आई विल डू एनीथिंग। जत्था भी पहुंच चुका है, सो विल सी यू सून गाइज नेक्स्ट क्लिप में, आप व्यू में एंजॉय योरसेल्फ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके शेयर करिए एंड मेक श्योर, नहीं मैं आ नहीं रहा ऐसे इसमें, मैं ऐसे बैठा हूँ ये काट पहले वीडियो काट। अच्छा चलो ढंग से बैठ गया मैं। सो गाइज अभी हम यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं, अभी हम फ्री है टोटली, तो अभी धीरे धीरे पब्लिक भी यहाँ पे आ रही है, गैदर होने वाली है, जितना आपने देखा पीछे दरिया वगैरह बिछी हुई है। सो हम भी थोड़ी देर ऐसे बैठ करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, नेक्स्ट आपके लिए तो क्लिप चेंज हो जाएगी। सो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो भाई। ये है मिस्टर सुरजीत जी, आपका नाम क्या है? आपका भी सुरजीत है? नहीं मेरा नाम मुन्ना।
आपका मुन्ना है, आपका सुरजीत है, ये हमारे दो न्यू सब्सक्राइबर्स है, आए कर दो सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। गाइज वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं थोड़ा सा स्कूटर के ऊपर ऐसे ही पसर गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। बट हाँ, सब्सक्राइबर्स से मिल करके, नए सब्सक्राइबर्स से, बच्चों से या फॉलोअर्स से, किन से भी मिल करके बहुत खुशी होती है, एंड आई फेल्ट वेरी गुड मीटिंग दैम। और आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे 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 रश पड़ना शुरू हो गया है, और आई थिंक नगर कीर्तन भी हमारा जो है नज़दीक पहुँच ही गया है। सो गाइज एन्जॉय द वीडियो। गाइज अब चलते हैं अरेंजमेंट्स की ओर, और यहाँ पे जो है खाना हमारा लग चुका है, अब सिर्फ नगर कीर्तन का ही वेट है, यहाँ पे बस प्रसादा जो है सर्व होने वाला ही है। एंड फाइनली हमारा नगर कीर्तन का कॉन्वॉय आ चुका है, पहुंच गया है लालू वाले टोबे पे। सो अब नेक्स्ट क्लिप्स जो है आगे की आप लोग एंजॉय कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग, व्लॉग जो है देखते रहिए। गाइज फाइनली प्रसादा हमारा लग चुका है, एंड सेवा शुरू हो चुकी है, संगत बैठ चुकी है प्रसादा चखने के लिए, एंड सवेरे 10 बजे अमृत संचार होना है, संतान बैठते आके उठे आके 10 बजे अमृत छक के गुरु वाले बनो, कैसी स्नान करके आना, तो सारे सरकार दे रहे हो गुरुद्वारा कमेटी वालों फ्री दिते जा रहे हैं। फिर बैठते 18-19 तारीख को दो दिन शामा के दीवान हो गए गुरुद्वारा साहब वालों दिते जाएंगे, तो बाबा जी का बहुत धनबाद प्रंत सत्कार भेजा श्रोमणी बख्शिश होगी दीवान की संपूर्तियां जी। और एक छोटा जा बच्चा जो खालसा स्कूल का बहुत बधाई के पात्र ने, बच्चे भी इन्हों का सारा स्टाफ ते इन्होंने माँ बहन भी बधाई के पात्र ने, जो इन्ना सोहने ढंग के नाल स्टेज पर आना ही बड़ी औखी गल होंगी है। सो इस करके बाबा जी वालों भी सत्कार होना पुलिस क्लब का, तो उन्होंने भी करना पहले आओ आप अच्छी तो कमता सर्विस करिए जी। वाहे गुरजी का खालसा वाहा देना ले टकरे रखी हिंद दिशान, जे ना हुंदे गुरु गोबिंद ना होना सी खालसा, जुलम नु रोकन ले जिसने दित्ती कृपान, सरबंस दे दानी तेरी दास्तान महान, पंच प्यारे चुनके अमृत उना छकाया, पहल खंडे दी बख्शी चिड़िया संग बात लड़ाया, अमृत छक के मंजा कोलो कीता काम महान, सरबंस दे दानी तेरी दास्तान महान, जफरनामा लिख औरंगजेब नू गुरु ने लानत दित्ती, पढ़ के अपने जुल्मा नू रू उसकी कम बुठी, चिट्ठा अपने पापा दा पर होया परेशान, सो गाइज फाइनली संगत प्रसादा शक चुकी है, पांच प्यारे भी अब तैयार हैं यहाँ से कूच करने के लिए गुरुद्वारे की ओर, और आई होप यहाँ पे जो है सब कुछ जिस तरीके से होना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड सब कुछ हो गया है। सो फाइनली नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द गुरुद्वारा।
गाइज, ये सारी क्लिप्स के बाद फाइनली अब नेक्स्ट शॉट में हम पहुंचने वाले हैं डायरेक्ट गुरुद्वारे में। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड शॉट। और ये हम पहुंच गए, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ना, जस्ट ऐसे स्विच हुआ और पहुंच गए गुरुद्वारे में। इट्स काइंड ऑफ सूदिंग कह सकते हैं आप, चलो ठीक है सूदिंग मान लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, क्योंकि एक ही शॉट में हम डायरेक्ट गुरुद्वारे पहुंच गए हैं एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमारी आ चुकी है। अभी यहाँ पे फाइनली जो है नगर कीर्तन हमारा कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्लिप्स आपकी यही फॉलोइंग चलेगी, आप देख सकते हैं दिन जो आ रहे हैं, जो साथ थे पूरे रास्ते। आई होप आप लोगों को ये पूरा राउंड अबाउट अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे तो देखो भैया शूट कर करके मज़ा आ गया मेरे को, कसम से मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इतनी अच्छे तरीके से, मतलब जगह जगह पे हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद जो भी सेरेमनीज होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो हमने पूरे किए ट्रेडिशन कल्चर्स के हिसाब से एंड फाइनली हम गुरुद्वारे पहुँच गए हैं। अब मतलब पूरा इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आई होप मेरे को तो अच्छा लगा, बट मुझे ये सारा जो भी नगर कीर्तन का होल्डिंग था, जो एवरीथिंग, आई जस्ट लव्ड इट। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी ये हमारे कल्चरल जो चीज़ थी, हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड, हमारे मतलब उसे रिलीजन से रिलेटेड, सिखिज़म से रिलेटेड। सो गाइज, बींग इन एनी रिलीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप अदर रिलीजन्स हैं उनकी आप अच्छे से रिस्पेक्ट करें, उन्हें अच्छे से मतलब एज इन उनके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए, व्हाट दे आर मेंट टू बी ट्रीटेड लाइक। एंड आई होप आप लोगों ने भी इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय किया होगा। होप यू लर्न समथिंग, या होप यू गॉट अमेज्ड बाई अदर रिलीजन थाट्स, थिंग्स दैट मैनी पीपल हैव बिलोंग टू एंड डू। सो सर्टनली गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, सो गाइज ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर तो करना ही पड़ेगा। गाइज ये है देला का गुरुद्वारा साहिब एंड एज यू कैन सी इट्स वंडरफुल। और रात के टाइम तो ये कुछ बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इट्स वेरी वेल डेकोरेटेड फॉर रिगार्डिंग दिस फंक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं नगर कीर्तन के रिगार्डिंग, देखो नगर कीर्तन को लेकर के कितना ज़्यादा ये डेकोरेटेड है गुरपुरब को लेकर के, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार, आई कांट एक्सप्रेस इट। एंड फाइनली अब हम घर की तरफ मार्च कर चुके हैं, अब चलो घर चलते हैं। फाइनली अब काफ़ी हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेट्स गो। तब तक के लिए थोड़े से गुरुद्वारे के शॉट्स एंजॉय कर लो। चलो चले घर की तरफ जाते हुए बसल व्लॉगर। देला गुरुद्वारे से हो गए हैं क्रॉस और पहुंच गए हैं घर। वेलकम बैक होम गाइस। अभी भी गलत टाइम की ऐसे गिरी जा रही है। वेलकम बैक होम गाइस, मैं गुड़ खा रहा हूँ और अब हम घर पहुंच चुके हैं, फाइनली वहां से फ्री हो चुके हैं, सारा हमारा शूट वूट काम धंधा सब कुछ हो गया है। चलो पहले लोई वोई बोलते दादी इनके पास चलते, क्योंकि मैं सुबह से उनको मिला नहीं हूँ, जब से मैं घर के बाहर निकला हूँ तब से लेकर के। सो लेट्स गो टू हर रूम।
मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? इसको करो, क्या बोलते हैं उसको, इसकी माँ बहन एक कर दो इसकी माँ बहन एक कर दो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, और इधर देख तो लो प्यार से, एक बार हाय तो कर दो। हाय, कैसा रहा आपका दिन आज का? बहुत बढ़िया। नगर कीर्तन कैसा था? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो आप अभी? कुछ नहीं, वहाँ आ रहा है वहाँ से अमृत। याद नहीं आई आपको पूरे दिन मेरी? हाँ? पूरे दिन याद नहीं आई आपको मेरी? नहीं क्या कर? जच्ची नहीं आई तो तू उठा ही था मेरे घर दस बजे घर दस था हो कुछ आज पूरे दिन घूमते रहे, घूम फिर के फिर उत्थे नगर कीर्तन वगैरह कंप्लीट करके सारा जिते जिते जाना था उत्थे उत्थे जाके जिते जिते जो होया सब कुछ रिकॉर्ड करके आज मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स भी मिले, फॉलोअर्स भी मिले, हाँ बहुत है ना, चैनल भी पूछे केड़ा है केड़ा नहीं है। अच्छा। गाइज मेरे चैनल का नाम है बसल ब्लॉगर, BUSTLEVLOGGER, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बिंदास ब्लॉग्स देखो, बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ टाइप या बिल्कुल ही नॉर्मल ब्लॉग्स मेरे चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ और होते हैं। सो आई होप यू गाइज, आई होप यू ऑल यू गाइज एंजॉय माई वीडियोज, सो सपोर्ट बनाए रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और वैसे भी आज के दिन मैंने क्या क्या किया आप लोगों ने तो ब्लॉग में देख ही लेना है। हाँ, बस ये है कि थक गए काफी घूम घूम के इधर उधर छतों पे ऊपर जा करके, बहुत गाइस हमारी वापसी हो चुकी है अपने रूम में, दादी के पास बैठ के बढ़िया हमने टाइम पास किया, बढ़िया हमने बातें वगैरह की, पूरा दिन डिस्कस किया कि क्या किया क्या नहीं किया। अब वक्त है रिलैक्स होने का और कपड़े वगैरह चेंज करने का और यहाँ घुसने का राज सिंहासन में। सो गाइस एक मिनट के लिए होल्ड करो, मैं जरा ये सब कुछ कर लूँ, फ्रेशन अप भी हो जाता हूँ, जा आता हूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक, वी आर बैक एज बिजनेस। ये देखो गॉब्लिन देख रहे थे लगता चाय पकौड़े ऊपर आ गए। सो गाइस इट्स अ गाय बस ब्लॉगर हियर एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग घूमना फिरना नगर कीर्तन, सो देला का हमने मोस्टली सारा पोर्शन कवर कर लिया, मतलब पूरा देला ही आ गया लगभग तो उसमें वीडियो में क्लिप में। तरस खा लो, तरस क्या। इफ यू वॉन्ट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो यू कैन डू इट। बाकी आपकी मर्जी है गाइस, लॉट्स ऑफ लव, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस वीडियो इफ यू लव्ड इट। अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट ब्लॉग में अपन लोग फिर मिलते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें और मेरे वीडियोस को चैनल को देखते रहें, अपडेट्स को देखते रहें। टेक केयर गाइस, सी या।